वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बोधी टी में। दोस्तों आज हम स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर नंबर 14 स्टेटिस्टिक्स सीखने वाले हैं। इसका ऑलरेडी एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है जिसमें एक्सरसाइज 14.1 की चर्चा की थी, थियरी की चर्चा की थी। आज हम 14.1 के सम नंबर 3 से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सो बिफोर द बिगनिंग ऑफ द वीडियो आई विल हम्बली रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट मैक्सिमम विथ योर फ्रेंड्स। प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर सम कॉमेंट्स। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। जो इसका फॉर्मूला है ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, इससे पीछे वाला जो प्रीवियस वीडियो यू कैन सी इट। तो ये डेटा हमको दिया है, इसका जो मीन है वो है 18। तो हमको जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ जो है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले समझिए कि हमसे कहा क्या गया है कि ये जो डेटा दिया गया है इसका मीन है 18 और ये जो फ्रीक्वेंसी एफ है इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। ओके, तो हमको मीन दिया है तो मीन का ही फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, ये दोनों चीजें हमको दी गई है, डेली पॉकेट अलाउंस और नंबर ऑफ चिल्ड्रन जिसको हम फ्रीक्वेंसी करेंगे उसको एफआई से दर्शाते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्लास मार्क। क्लास मार्क जैसा मैं बता चुका हूं, क्लास मार्क यानी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 यानी 11 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 2, 24 डिवाइडेड बाय 2 यानी कितना आएगा 12। ये हमारा 12। फिर इसके बाद हम बार बार क्लास मार्क नहीं निकालते, उसके बाद हम क्या निकालते हैं, क्लास साइज जिसको हम एच से डिनोट करते हैं। क्लास साइज यानी कितने का डिफरेंस हो, देखिए 13-11 2, 15-13 2। अब क्या करेंगे हम, 2 इसमें प्लस करते जाइए, 12 प्लस 2 14 प्लस 2 16 प्लस 2 18 प्लस 2 20 प्लस 2 22 प्लस 2 24। क्लियर, जो आपका क्लास साइज है वो जोड़ते जाइए। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें से जो आपका जो क्लास मार्क है एक्साई उसमें से किसी एक को मीन मानते हैं। इससे पहले वाला सब में हमने क्या किया था, जो बीच वाला था उसको मान लेते थे, लेकिन यहां पे जो मैं बोल रहा हूं उस चीज को ध्यान रखना कि ऐसे सवालों में जिसमें हमको मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है उसमें जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसके सामने वाले एक्साई को ही ए मानेंगे। वंस अगेन आई रिपीट, ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसके सामने जो हमको क्लास मार्क दिया है उसको ही आपको ए मानना है। ओके, तो यहां लिखेंगे हम 0-1-2-3-4, नीचे प्लस में 1-2। नाउ 7-4-28, 6-3-18, 9-2-18, 13-1-13, एफ इंटू 0-0, 5-1-5, 4-2-8। ओके, एफ आई यू आई यानी एफ आई और यू आई को मल्टीप्लाई करना है। क्लियर, अब ये निकालिए, इसका टोटल कीजिए, 6-7+6 13 एंड 13-26 एंड 9-35 फिर 40 एंड 44 प्लस एफ। ओके, ये निकालिए सिग्मा एफ आई यू आई, तो देखिए 5 एंड 8 13 हुआ, वो 13 इसमें से लेस हो गया, यानी आप इन तीनों का टोटल कर दीजिए 64। देखिए 5 एंड 8 13, तो ये 13 निकाल दीजिए तो इजी हो जाता है एकदम, 8 24 का 4 एंड 6। ओके, तो 64 हो गया। अब हमारा फॉर्मूला आएगा x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई इंटू एच अपॉन एन। x बार हमको दिया है इट इज 18, a है आपका 20, सिग्मा एफ आई यू आई है -64, एच है 2, एन है 44 प्लस एफ, ये रहा आपका एन। 20 को मैं यहां लाऊंगा तो क्या हो जाएगा -20, 18 -20, 64 इंटू 2 जा 128 अपॉन 44 प्लस एफ। ओके, तो ये हो जाएगा आपका -2, ये हो जाएगा -128 अपॉन 44 प्लस एफ। देखिए
20 दरा कर माइनस 64 इंटू 2 128 अपॉन 44 प्लस एफ, ये हो गया आपका माइनस 2। अब ये 44 प्लस एफ को यहां लाऊंगा तो माइनस 2 इसके अपॉन में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 44 प्लस एफ इज इक्वल टू माइनस 128 डिवाइडेड बाय 2, 2 से इसको डिवाइड किया 64, 44 प्लस एफ इज इक्वल टू 64, यानी एफ हो जाएगा आपका 64 माइनस 44, यानी एफ हो जाएगा आपका 20। दिस इज अवर आंसर। फिर से देख लिए, ये जो डेटा दिया है इसका मीन हमको दिया है 18, और ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वो हमको निकालनी है। तो ऐसे सवाल में याद रखिए, जो आपको दिया है उसी का फॉर्मूला आपको लगाना है, मीन दिया है तो हम मीन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये दोनों चीजें दी गई है, क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, 11 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो आया आपको 12। उसके बाद हम क्लास साइज निकालते हैं, तो 13 माइनस 11 2, 15 माइनस 13 2, ये हमारा क्लास साइज है। जो क्लास साइज है उसको ऐड कीजिए, 12 प्लस 2 14 प्लस 2 16 प्लस 2 18, 2 मैंने प्लस कर दिया। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखनी है दोस्तों, ऐसे सम में जब हमको मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी के सामने वाले एक्साई को, क्लास मार्क को ए मानना है। तो ये हुआ आपका ए, 0 ऊपर माइनस में नीचे प्लस में, 7 4 जा 28, 6 3 जा 18, 9 2 जा 18, 13 1 जा 13, एफ इंटू 0 0, 5 1 जा 5, 4 2 जा 8। तो देखिए मैंने इजीली बता दिया, आप अपने ढंग से कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 5 एंड 8 13, तो ये 13 मेरा लेस हो गया, गायब हो गया, इन तीनों का टोटल किया आया माइनस 64, ये आपका हो जाएगा 44 प्लस एफ। अब इसके बाद हम मीन दिया है तो मीन का फॉर्मूला लगाएंगे, दिस इज अवर फॉर्मूला। एक्स बार है आपका 18, ए है आपका 20, सिग्मा एफ आई यू आई माइनस 64, एच है आपका 2, एन है आपका ये 44 प्लस एफ, 20 इधर आकर माइनस 20, 64 टू जो 128, 44 प्लस है। अब माइनस 20 में से 18 लेस होगा माइनस 2, ये इधर आके प्लस हो जाएगा और 2 इसके अपॉन में आएगा। देखिए 44 प्लस एफ इधर आ जाएगा तो माइनस 2 इसके अपॉन में आएगा, 2 से इसको डिवाइड किया 64, 44 दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, तो एफ इज इक्वल टू 20। आगे हम दूसरे सवाल देखते हैं दोस्तों। ये जो मैं सम आपको बता रहा हूं, ऐसे सम आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, मगर ऐसे सम एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसको आप स्पेशली ध्यान देना, हर सम में आपको ध्यान देना है। इसको मैं कहूंगा कि देखने के बाद 2 टाइम्स इसको सॉल्व कीजिएगा। तो क्या दिया है, इन द फॉलोइंग डेटा देयर आर टोटल 100 ऑब्जर्वेशन, 100 ऑब्जर्वेशन टोटल कितने 100, ओके, एंड मीन इज 148, मीन है आपका 148, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द मिसिंग वैल्यूज ऑफ द फ्रीक्वेंसी एफ वन एंड एफ टू। ये जो एफ वन और एफ टू की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी, ओके, मीन दिया है और ये दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मीन दिया है तो हम मीन का फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल लॉजिक। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एक्साई, एक्साई यानी क्लास मार्क, एज वी नो 0 प्लस 49 डिवाइडेड बाय 2, यानी 49 अपॉन 2 यानी 24.5। ये मैं आपको बता चुका हूं, क्लास मार्क निकालने के लिए क्या करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। फिर उसके बाद निकालते हैं हम एच, जितने का डिफरेंस हो, 50 माइनस 0 50, 100 माइनस 50 50। अब उसके बाद क्या करना है आप जानते हो, 50 हम इसमें प्लस करते जाएंगे तो हो जाएगा 74.5, 124.5, 174.5, 224.5, 274.5, 324.5। इसके बाद एज आई हैव टोल्ड यू कि ऐसे सवालों में जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसके सामने वाले एक्स आई को ही ए मानते हैं, यानी हम इसको मानेंगे ए, चाहो तो आप इसको मान लो, चाहो तो इसको, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। सो ये हमारा हो जाएगा 0 माइनस 1 माइनस 2, 1 2 3 4, ओके, 10 2 20, 15 1 15, 0 20 1 20, 15 2 30, ये हो जाएगा आपका 3 एफ 2,
इसको दिमाग में रखिए, इसको अलग से लिख दो तो मिस्टेक नहीं होगी आपकी, 2 4 8। ओके, यहां पे हम निकालिए टोटल एन, 10 and 15 25 and 15 40 and 20 62 प्लस F1 प्लस F2। ओके, सिग्मा FIUI निकाल लीजिए। देखिए 20 and 30 58 58 में से 38 लेस कर दीजिए, 35 लेस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 23 प्लस 3 F2। ये चीज आपको क्लियर होगा क्योंकि ओके। अब इसके बाद जो बोला उसको ध्यान रखिए। सबसे पहले देखिए टोटल फ्रीक्वेंसी सबको कितने दिए, 100, तो वो लिखिए हियर n इज इक्वल टू 100, मतलब 62 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 100। मीन टू से F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 100 माइनस 62, यानी F1 प्लस F2 बराबर हो जाएगा आपके पास 38। ओके, फिर से मैं बता देता हूं, जब दो भी फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करनी हो, मीन मीडियन मोड किसी प्रकार का सम हो, तो सबसे पहले जो टोटल फ्रीक्वेंसी है वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। टोटल फ्रीक्वेंसीज आपकी कितनी है, 100, यानी n इज इक्वल टू 100, यानी 62 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 100, 62 दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, यानी F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 38। क्लियर, अब इसके बाद हम लगा देंगे फॉर्मूला, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FIUI इंटू h अपॉन n। x बार है हमारा 148, a है आपका 124.5 प्लस 23 प्लस 3F2, इसको आप ब्रैकेट में लिखिए, h है आपका 50, n है आपका 100, n इरा टोटल। ओके, 52 is 100 148, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 124.5 23 प्लस 3F2 अपॉन 2, इसमें से लेस होगा तो ये हो जाएगा 23.5 इज इक्वल टू 23 प्लस 3F2 अपॉन 2। अब 2 इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 23.5 into 2 is equal to 23 plus 3F2, ये हो जाएगा आपका 47। ओके, 23 इधर आके हो जाएगा आपका माइनस, ये हो जाएगा आपका 24, यानी क्या हो जाएगा आपका F2 is equal to 24 upon 3, यानी कि 8, F2 इज इक्वल टू 8। देखिए 23 इधर आके माइनस हो गया 24, अब ये 3 इसके अपॉन में जाएगा तो कितना मिलेगा, 8। ये आपको मिल गया F2, लेकिन हमको तो F1 भी चाहिए। अब ये इसके बाद हम यहां आ रहे हैं, नाउ ये आपको वहां लिख सकते हो F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 8, तो जो F2 है उसके प्लेस पर मैं क्या लिखूंगा, सॉरी 38 है, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 38, F2 के प्लेस पर मैं लिखूंगा 8, F1 प्लस 8 इज इक्वल टू 38, सो F1 इज इक्वल टू 38 माइनस 8, यानी F1 इज इक्वल टू 30, तो ये हमारा आंसर हो गया, F1 इज इक्वल टू 30 एंड F2 इज इक्वल टू 8, ये हमारा आंसर। देखने में लेंथी लग रहा है लेकिन दिमाग में आ जाएगा, फिर से समझा देता हूं, पूरा दिमाग में बैठना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। So, ये सम जो है इसमें दिया हमको टोटल ऑब्जर्वेशन से 100, मीन है हमारा 148, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ F1 एंड F2। ओके, सो क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी दिया है, क्लास मार्क कैसे निकाले, 0 + 49/2, 49/2 = 24.5। इसके बाद हम निकालते h, 50 - 0 = 50, 100 - 50 = 50, 150 - 100 = 50, 50 आप 8 कितने जाइए, 24 + 50 = 74 + 50 = 124 + 50, इस तरह से करते जाइए। एज आई टोल्ड यू कि इसमें जब मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला सवाल हो तो जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो
उसके सामने वाले एक्साई को ही हम ए लेते हैं। फिर से मैं बार बार एक ही चीज को रिपीट करता हूं तो आपको जिंदगी भर वो चीजें याद रहेगी। तो आप इस केस में यहां पे इसको भी ए ले सकते हो, इसको भी, दोनों के दोनों में से कोई भी लीजिए, आंसर सेम आएगा। हमने इसको ए माना, इसके सामने जीरो, माइनस वन, माइनस टू, नीचे प्लस में आएंगे, वन टू थ्री फोर। एफ आई यू आई, टेन टू जा ट्वेंटी, फिफ्टीन वन जा फिफ्टी, एफ वन इंटू जीरो जीरो, ट्वेंटी वन जा ट्वेंटी, फिफ्टीन टू जा थर्टी, एफ टू इंटू थ्री, थ्री एफ टू हो जाएगा, टू फोर जा एट। अब देखिए, ट्वेंटी प्लस थर्टी फिफ्टी इंटू एट फिफ्टी एट, उसमें से 35 लेस हो जाएगा, तो 23 प्लस 3F2, इस तरह से ही आपको लिखना है। इसका टोटल करेंगे तो हमको मिलेगा 62 प्लस F1 प्लस F2। अब यहां जो बोल रहा हूं वो चीज को आप दिमाग में रखिए, ऐसे सम में जब दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी हो तो सबसे पहले टोटल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हम तो टोटल दिया है N इज इक्वल टू 100, देखिए हमको दिया है, यानी 62 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 100। 62 आपका उस तरफ जाके माइनस, कितना हुआ 38। अब इसके बाद हम जो मीन है उसका फॉर्मूला लगाएंगे, ये हमारा फॉर्मूला है। एक्स बार के प्लेस पर आप लिखोगे 148, ए आपका कितना है, ए आपको दिया है ये 124.5, सिग्मा एफ आई यू आई 23 प्लस 3F2, एच है आपका 50, एन है आपका 100, ये रहा टोटल ऑब्जर्वेशन। 50 से 100 को डिवाइड किया 2, 124.5 इधर आकर माइनस, अब ये 2 जाएगा इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 23.5 इंटू 2 47, 23 इधर आकर माइनस, क्या हो जाएगा 24, 3 इसके अपॉन में, तो F2 इज इक्वल टू 8 आया। नाउ F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 38, तो F1 F2 की जगह हम क्या लिखेंगे 8, 8 उधर जाकर माइनस। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपको ये सवाल भी एकदम इंटरेस्टिंग तरीके से बता दिया है, अब आप इसे जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। अब हम उसके बाद का दूसरा सवाल देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये 14.1 एक्सरसाइज का 8 नंबर का सम है, इस सम को मैं डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने वाला हूं और इसमें हमको डायरेक्ट मेथड ही लगाना पड़ेगा, क्यों वो भी मैं आपको बताता हूं। तो डायरेक्ट मेथड कब लगेगा, कैसे लगाते हैं, सब चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये चीजें दी है, नंबर ऑफ डेज एंड फ्रीक्वेंसी। नाउ यहां देखिए कि यहां पे कितना डिफरेंस है, 6, यहां डिफरेंस कितना है 4, यहां डिफरेंस है 4, यहां है 6, यहां है 8, यहां है 10, यहां है 2, यानी हर एक क्लास का जो डिफरेंस है, जो क्लास साइज है वो अलग अलग है। तो जब क्लास साइज अलग अलग हो तो हमारा जो अज्यूम्ड मीन वाला जो मेथड था जिसपे हमने पिछले सवाल किए थे वो हम नहीं लगा सकते, तो उस समय हमको डायरेक्ट मेथड लगाना पड़ता है, इट इज द इजिएस्ट वे। ओके, नाउ यू गॉट कि डायरेक्ट मेथड कब लगाते हैं, जब जो क्लास साइज हो वो डिफरेंट हो। तो क्लास मार्क कैसे निकालेंगे, 0 प्लस 6 6 डिवाइडेड बाय 2 3, 6 प्लस 10 16 डिवाइडेड बाय 2 8, 6 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 क्या आएगा 8, 10 प्लस 14 24 डिवाइडेड बाय 2 क्या आएगा 12, 34 डिवाइडेड बाय 2 17, 48 डिवाइडेड बाय 2 24, ये हो जाएगा आपका 66 डिवाइडेड बाय 2 33, यह आ जाएगा 78 डिवाइडेड बाय 2 39। ओके, यानी दोनों को जोड़ करके, दोनों को ऐड करके हमको दो से डिवाइड कर देना है। ओके, सो नाउ क्लियर। अब हम इसके बाद निकालेंगे एफ आई एक्स आई, तो अब टोटल पहले इसका कर ले, 1 and 7 8 and 8 1 and 7 8 and 8। तो यहां पे फ्रेंड्स ये सम हमको दिया है और इसको हम डायरेक्ट मेथड से यूज इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट मेथड से ही ये सवाल सॉल्व होगा। क्यों डायरेक्ट मेथड का यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड का यूज कैसे होता है, वो सब चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहां देखिए, यहां क्लास साइज है वो डिफरेंट है, यहां देखिए कितने का डिफरेंस है, 6 माइनस 0 6, 10 माइनस 6 4, 14 माइनस 10 4, 20 माइनस 14 6, यहां पर 8, यहां 10, यहां 2, सब में जो क्लास साइज है डिफरेंट है।
तो जब क्लास साइज डिफरेंट हो तो हम डायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं, इसको दिमाग में रखिएगा। ओके, तो जब क्लास साइज डिफरेंट हो तो डायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं। क्या है डायरेक्ट मेथड? देखिए, 0 + 6 = 6, हम क्लास मार्क निकाल रहे हैं। 0 + 6 = 6 / 2 = 3, 0 + 6 / 2, ये आपका मेथड है, आपको दर्शाना नहीं है। आपको 10 + 6 = 16 / 2 = 8, 10 + 14 = 24 / 2 = 12, ये 34 / 2 = 17, 48 / 2 = 24, ये 63 / 2 = 33, ये हो जाएगा आपका 78 / 2 = 39। ओके, अब इसके बाद हम निकालते हैं एफ आई एक्स आई, यानी एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई कीजिए। 11 × 3 = 33, 10 × 8 = 80, 12 × 7 = 84, 68 = 96, 24 × 4 = 33, 99, 39 × 1 = 39। एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई कर दिया, 3 × 4 = 7, 8 = 15, 6 = 21, 9 = 30, 39, 3 × 3 = 16, 22 + 6 = 28, 9 = 37, 3 = 40, 49, 499। एन निकालिए, 1 × 7 = 8, 8 = 16, 4 = 20, तो 0 ये हो जाएगा आपका 40। हमारा फॉर्मूला इसमें एकदम सिंपल है दोस्तों, हमारा फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन, एन लिखिए अथवा सिग्मा एफ आई लिखिए, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई आपका 499 / 40, 40 से आपको इसको डिवाइड करना है। तो देखिए, इजीएस्ट मेथड बता देता हूं, 40 के बदले आप 4 × 10 कीजिए, 4 से डिवाइड कीजिए, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 6 = 4, 4 × 16, पॉइंट रख के 0, 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20। आपने डिवाइड किससे किया? 4 से। नीचे 0 है तो डेसिमल आपका एक संख्या इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 12.475, इसको आप 12.48 लिख सकते हैं। ओके, ये हमारा सम पूरा हो गया। फिर से देख रहे हैं दोस्तों, ये डायरेक्ट मेथड है, और डायरेक्ट मेथड का यूज हमने क्यों किया? डायरेक्ट मेथड का यूज हमने इसलिए किया क्योंकि इसमें जो क्लास साइज है ये सब क्लास का अलग अलग है, इसलिए हमने इसमें डायरेक्ट मेथड का यूज किया है। तो देखिए, क्लास मार्क मैंने आपको बताया था, 0 इन दोनों को जोड़ करके प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं, 0 + 6 = 6 / 2 = 3, 10 + 6 = 16 / 2 = 8, 10 + 14 = 24 / 2 = 12, ये हो जाएगा आपका 34 / 2 = 17, ये हो जाएगा आपका 48 / 2 = 24, हाफ कर देना है या 2 से डिवाइड कर देना है। एफ आई एक्स आई, यानी एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई कीजिए, 11 × 3 = 33, 10 × 8 = 80, 12 × 7 = 84, 17 × 4 = 68, 24 × 4 = 96, 33 × 3 = 99, 39 × 1 = 39, सबका टोटल किया। ये हमारा फॉर्मूला है, सिग्मा एफ आई एक्स आई आपका कितना है 499, एन आपका कितना है 40, 40 से इसको डिवाइड कर दिया। तो दोस्तों, यहाँ हमारा जो मीन वाले जो सम थे, मैंने आपको सभी प्रकार के सम्स करा दिए हैं, इसके बाद हम मीडियन और मोड वाले सम देखने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आगे के वीडियो। थैंक यू वेरी मच।